भगवान सदाशिव का लीला विलास ही संपूर्ण ब्रह्मांडों में विराजमान है। लीला अभिनय के लिए प्रभु जब इस जगत की सृष्टि करते हैं तो अंतर्यामी रूप से स्वयं भी इसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, व्याप्त हो जाते हैं, और जब आवश्यकता समझते हैं तो स्वयं भी व्यक्त रूप से प्रकट हो जाते हैं। वेदों में भगवान शिव की महिमा और उनकी करुणा का विशेष गान हुआ है। रुद्र, शिव, मृत, भव आदि ये सभी उन्हीं के नाम हैं। उनका घोर तथा अघोर दो रूपों में विशेष वर्णन आया है। भगवान शिव की संहार लीला की मूर्ति घोर एवं रक्षण तथा पालन पोषण की मूर्ति अघोर कहलाती है। वेदों में जहाँ एक रुद्र की चर्चा है वहीं पद से अनंतानंत रुद्रों का निर्वचन किया गया है। एकादश रुद्र तो प्रसिद्ध है ही, ऐसे ही भगवान शिव सृष्टि के मूल तत्व लिंग के रूप में प्रकट हैं और पूजित होते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग, बाणलिंग, स्वयं भोलिंग आदि भगवान शिव के लिंग रूप में प्रागट्य के घोतक हैं। ऐसे ही अष्टमूर्तियों के रूप में भी उनकी उपासना होती है। सदोजात, वामदेव, तत्पुरुष आदि उनके पंच स्वरूप प्राप्त होते हैं। पुराणों में तो भक्तों के कल्याण के लिए भगवान शिव के विभिन्न रूपों में अवतरण का वर्णन प्राप्त होता है। महाकाल, भैरव, यक्ष, दुर्वासा, हनुमान, पिपलाद, हंस आदि लीला अवतारों की कथाएँ अत्यंत कल्याणकारिणी है। उनका अर्धनारीश्वर तथा हरिहर के रूप में अवतरण विश्व को शिक्षा देने के लिए ही हुआ। ऐसे ही प्रणव के रूप में ही उनका अवतरण होता है। मृत्युंजय, दक्षिणामूर्ति, नटराज, भिक्षुक, महाकाल, पंचमुख, नीलकंठ, पशुपति, त्रयंबक तथा योगेश्वरावतार आदि अनेक नाम रूपों में प्रकट होकर भगवान ने विविध लीलाएं की है जो भक्तों के लिए अतिव मंगलदायिनी है। आज महादेव का नंदीश्वरा अवतार के बारे में हम सभी जानेंगे, जो परमानंदमय हैं, जिनकी लीलाएं अनंत है, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक महान गौरी के प्रियतम तथा कार्तिकेय और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं। उन आदिदेव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। प्राचीन काल में एक बार सनत कुमार जी ने नंदीश्वर जी से पूछा कि हे नंदीश्वर, आप महादेव के अंश से कैसे उत्पन्न हुए तथा अपने शिवत्व कैसे प्राप्त किया, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप कहिए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, शिलाद नाम के एक ऋषि थे। पितरों के उदार की इच्छा से उन्होंने इंद्र के उद्देश्य से बहुत समय तक कठोर तप किया। तप से संतुष्ट होकर इंद्र उनको वर देने को गए। इंद्र ने शिलाद से कहा, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। तब इंद्र को प्रणाम कर आदर पूर्वक स्रोतों से स्तुति कर शिलाद हाथ जोड़ कर बोले, हे देवेश, आप प्रसन्न हो तो मुझे मृत्युहीन अयोनिज पुत्र की प्राप्ति हो। इंद्र बोले, हे मुने, मैं तुमको मृत्युहीन अयोनिज पुत्र नहीं दे सकता, क्योंकि विष्णु भगवान से ब्रह्मा तक सब मृत्यु वाले हैं। और की तो बात ही क्या है, यदि भगवान शिव प्रसन्न हो जाए तो वह तुम्हारे लिए मृत्युहीन अयोनिज पुत्र प्रदान कर सकते हैं। अतः आप शिव जी को प्रसन्न करें। इतना कहकर इंद्र अपने लोक को चले गए। इंद्र के जाने के बाद शिलाद ने दिव्य सहस्त्र वर्ष तक महादेव जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए तथा शिलाद से कहा, हे शिलाद, मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। भगवान शिव के ध्यान में मग्न और समाधि में लीन शिलाद मुनि ने शिव की वाणी को नहीं सुना। तब शिव ने उन मुनि का हाथ से स्पर्श किया, जिससे उनकी समाधि छूट गई और अपने नेत्रों के सम्मुख अपने आराध उमा सहित भगवान शंभु को देखकर वे मुनि आनंद पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़े। बड़े हर्ष से गदगद वाणी में वे शिव जी की स्तुति करने लगे। तब देव देवेश भगवान शिव जी ने शिलाद से कहा कि हे तपोधन, मैं तुम्हें
वर देने आया हूँ। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर शिलाद बोले, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझको अपने समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र प्रदान करें। शिव जी बोले, हे विप्र, मैं स्वयं ही तुम्हारे यहाँ नंदी नामक अयोनिज पुत्र रूप से प्रकट होऊंगा। हे मुने, तुम मुझ लोकत्रय के पिता के भी पिता होने का सौभाग्य प्राप्त करोगे। इस प्रकार शिलाद को वर देकर भगवान पार्वती सहित अंतर्धान हो गए। शिलाद मुनि ने अपने आश्रम पर आकर यह सारा वृतांत अन्य मुनियों से कहा तो सभी मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। हे सनत कुमार, कुछ समय बीतने पर एक दिन शिलाद यज्ञ करने के निमित्त यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे। मैं उसी समय उन शिव की आज्ञा से उनका पुत्र रूप होकर प्रलयाग्नि के समान दीप्यमान रूप में प्रकट हुआ। उस समय देवताओं ने फूल बरसाए तथा ऋषिगण भी चारों तरफ से पुष्प वृष्टि करने लगे। हे मुने, उस समय मेरा स्वरूप प्रलय काल के सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित तथा त्रिनेत्र चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी था। साथ ही वह त्रिशूल आदि शस्त्रों को धारण किए हुए था। मेरा ऐसा स्वरूप देखकर मेरे पिता ने मुझे प्रणाम किया और बोले, हे सुरेश्वर, तुमने मुझे महा आनंद दिया है, इस कारण तुम्हारा नाम नंदी हुआ। तदंतर में मेरे पिता मुझे अपनी पर्णकुटी में ले गए। पर्णकुटी में पहुंचकर मैंने अपना वह रूप त्याग कर मनुष्य शरीर धारण कर लिया। हे सनत कुमार, मुझ पर अत्यधिक स्नेह करने वाले उन सालंकायन के पुत्र शिलाद ने मेरे संपूर्ण जात कर्म आदि संस्कार किए। 5 वर्ष की अवस्था में ही मेरे पिता ने मुझे सांगोपांग वेदों को और शास्त्रों को पढ़ाया। 7वें वर्ष में मित्रावरुण संज्ञक 2 मुनि शिव जी की आज्ञा से मुझे देखने को आए। तब मेरे पिता से सत्कार को प्राप्त होकर वे मुनि अच्छी प्रकार बैठे और मुझे बारंबार देखकर वे महात्मा बोले कि हे तात, संपूर्ण शास्त्रों में पारगामी ऐसा बालक हमने नहीं देखा, परंतु यह तुम्हारा पुत्र नंदी थोड़ी अवस्था वाला है, इसकी आयु 1 वर्ष की ही और होगी। उन ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर मेरे पिता शिलाद उच्च स्वर में रोने लगे। मैंने अपने पिता को रोते हुए देखकर कहा, हे पिता, आप क्यों रोते हैं, यह मैं तत्वपूर्वक जानता हूँ। पिता बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हारी अल्प मृत्यु के दुख से दुखी हूँ। मैंने कहा, हे पिता, देवता, दानव, यमराज, काल तथा मनुष्य भी मुझे मारे तो भी मेरी अल्प मृत्यु नहीं होगी, इस कारण आप दुखी मत होइए। हे पिता, यह मैं आपसे सत्य कहता हूँ, आपकी शपथ खाता हूँ। पिता बोले, हे पुत्र, तुम्हारी अल्प मृत्यु को कौन दूर करेगा। तब मैंने कहा, हे तात, मैं तप से अथवा विद्या से मृत्यु को दूर न करूँगा, केवल महादेव जी के भजन से मैं इस मृत्यु को जीतूँगा, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर पिता के चरणों में सिर से प्रणाम कर और उनकी प्रदक्षिणा करके मैं श्रेष्ठ वन को चला गया। नंदीश्वर बोले, हे मुने, वन में जाकर मैं एकांत स्थल में स्थित होकर अति कठिन तथा श्रेष्ठ मुनियों के लिए भी दुष्कर तप करने लगा। मैं पचमुख सदाशिव के परम ध्यान में मग्न हो पवित्र नदी के उत्तर भाग में एकाग्र चित्त से सावधान हो रुद्र मंत्र जपने लगा। तब प्रसन्न होकर सदाशिव पार्वती सहित प्रकट होकर बोले, हे शिलानंदन, तुम्हारे तप से मैं संतुष्ट हूँ, तुम अभीष्ट वर मांगो। सामने शिव पार्वती को देखकर अपने सिर को उनके चरणों में झुकाकर मैं उनकी स्तुति करने लगा। तब उन परमेश वृषभ ध्वज ने दोनों हाथों से मुझे पकड़कर स्पर्श किया तथा बोले, हे वत्स, हे महाप्रयाग, तुम्हें मृत्यु से भय कहाँ, उन दोनों ब्राह्मणों को मैंने ही भेजा था, तुम मेरे ही समान हो, इसमें कुछ संशय नहीं है। तुम पिता और सुस्नेह जनों सहित
अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और मेरे प्रिय हो गए। इस प्रकार कहकर उन्होंने अपनी कमलों से बनी शिरोमाला उतार कर शीघ्र मेरे कंठ में डाल दी। हे मुने, उस सुंदर माला को कंठ में पहनते ही 3 नेत्र 10 भुजा वाला मानो मैं दूसरा शिव ही हो गया। परमेश्वर ने कहा, और क्या श्रेष्ठ वर दूं। इतना कहकर वृषभ ध्वज ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण कर नदी हो ऐसा कहकर उसको मेरे ऊपर छिड़का। उस जल से शुभ 5 नदियाँ जटोदका, त्रिस्त्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी उत्पन्न होकर बहने लगी। यह पंचनद नामक पवित्र शिव का पृष्ठ देश जपेश्वर के समीप वर्तमान है। शिव जी पार्वती जी से बोले कि मैं नंदी को गणेश्वर पद में अभिषिक्त करता हूँ, तुम्हारी इसमें क्या सम्मति है? पार्वती जी बोली, हे देवेश, यह शिलाद पुत्र नंदी आज से मेरा महाप्रिय पुत्र हुआ। तदंतर शिव जी ने अपने सभी गणों को बुलाकर कहा कि यह नंदीश्वर मेरा पुत्र सब गणों का अधिपति तथा प्रिय गणों में मुख्य हुआ। सभी को मेरे इस वचन का पालन करना चाहिए। तुम सब प्रीतिपूर्वक नंदी को स्नान कराओ और आज से यह नंदी तुम सबका स्वामी हुआ। शिव जी के ऐसा कहने पर संपूर्ण गणपति बहुत अच्छा कहकर सब अभिषेक की सामग्री ले आए। तदंतर इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा नारायण संपूर्ण मुनि प्रसन्न हो सब लोगों से आए। शिव के नियोग से ब्रह्मा जी ने सावधान हो नंदी का अभिषेक किया। तब विष्णु ने फिर इंद्र ने इसके पश्चात लोकपालों ने अभिषेक किया। तब सभी ने नंदीश्वर जी की स्तुति की। नंदीश्वर ने कहा, हे विप, इस प्रकार गणाध्यक्ष पद पर अभिषिक्त होने के उपरांत मुझ नंदी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से सुयसा नाम वाली मरुत की परम मनोहर कन्या से विवाह किया। विवाह के समय जब मैं उस रूपवती सुंदरी सुयसा के साथ मनोहर सिंहासन पर बैठा, तब महालक्ष्मी ने मुझे मुकुट से सजाया। देवी ने अपने कंठ का दिव्य हार मुझे दिया। श्वेत वृषभ, हाथी तथा सिंह की ध्वजा, सुवर्ण का हार इत्यादि वस्तुएं मुझे मिली। विवाह के पश्चात मैंने ब्रह्मा जी विष्णु जी के चरणों में नमस्कार किया। तभी शिव जी ने मुझे सपत्निक देख परम प्रीति से कहा, हे सतपुत्र, तुम पति और यह सुयसा तुम्हारी पत्नी है। मैं तुमको वही वर दूंगा जो तुम्हारे मन में है। तुम मेरे सदा प्रिय होगे। तुम अजय महाबली होकर पूजनीय होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम होगे। जहाँ तुम होगे वहाँ मैं रहूँगा। इस प्रकार कहकर शिव जी उमा सहित कैलाश को चले गए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, जिस प्रकार मैं शिवत्व प्राप्त किया वह कथा मैंने आपको सुना दी।